तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संसद के शीतकालीन सत्र से पहले राष्ट्रीय राजधानी का 4 दिवसीय दौरा आज से शुरू करने जा रही हैं। ममता बनर्जी के दिल्ली आने से पहले उनके सांसदों को भी यहां पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। ममता का दिल्ली दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब त्रिपुरा में पश्चिम बंगाल युवा इकाई की अध्यक्ष सयानी घोष को शनिवार रात त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देब को धमकी देने के आरोप में हत्या के प्रयास की धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। इस सप्ताह के अंत में निकाय चुनाव होने हैं और टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियों एक दूसरे पर जमकर प्रहार करने में जुटी हैं। दूसरी तरफ 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है जिसमें सरकार को विपक्ष के कई सवालों से जूझना है। इस दौरान मोदी सरकार को घेरने की कोशिश होगी, साथ ही शीतकालीन सत्र के लिए विपक्ष की रणनीति तैयार करना उनके टारगेट पर होगा। वहीं त्रिपुरा के मुद्दे को लेकर टीएमसी के 15 सांसद भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो 15 सांसद भी यहां दिल्ली पहुंच चुके हैं और पिछले अगर 4 महीने की बात करें तो पिछले 4 महीने के बाद ये दिल्ली का दूसरा दौरा ममता बनर्जी का, क्योंकि इससे पहले जो 4 महीने पहले जब दिल्ली आई थी ममता बनर्जी तो एक कड़ा संदेश देने की कोशिश हुई थी, एक शानदार जीत उन्होंने पश्चिम बंगाल में दर्ज की थी और तभी से लेकर अब तक वो मोदी सरकार को घेरने की कोई कवायद नहीं छोड़ रही है। और उसी कड़ी में ये दिल्ली दौरा कई मायनों में काफी अहम है। 4 दिन दिल्ली रहने वाली हैं और इसमें कहा जा रहा है कि पीएम मोदी से भी मुलाकात ममता बनर्जी की हो सकती है। गृहमंत्री अमित शाह के डेलीगेशन के साथ भी मुलाकात का वक्त उन्होंने मांगा है, हालांकि इसको लेकर अभी कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। तो मोदी सरकार को इस दौरे के दौरान घेरने की कोशिश होगी, कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता अजय चौहान जो कि दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, एक बार फिर दिल्ली का रुख कर रही हैं ममता बनर्जी और क्या वो पहुंच चुकी हैं, कितने बजे पहुंचने का कार्यक्रम है? अश्मा, देखिए जिस तरीके से ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचने की कवायद में है, कुछ समय जैसे जानकारी मिल रही है कुछ समय बाद ही दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन अगर बात कहें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में जिसमें सयानी घोष को जो गिरफ्तार किया गया उसको लेकर के जो ममता बनर्जी ने त्रिपुरा के अंदर जो शांत निकाली केंद्रीय सरकार पर, यानी उन्होंने कहा कि 2255 जो धारा है वो कहाँ गई, क्योंकि जिस तरीके उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, कानून को प्रश्न लिया है, यानी वहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर। उधर बात करें दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली के अंदर 15 सांसद जो दिल्ली में है मौजूद है, सुबह से ही वो गृह मंत्रालय पर धरना आपका लगा हुए बैठे हुए हैं, यानी धरना दे रहे हैं। 15 सांसदों की बात अजय आप कर रहे हैं, वो सांसद के हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को नाम भी बताएं। हालांकि त्रिपुरा कांड को लेकर भी कहीं ना कहीं ये दौरा कई मायनों में अहम है, लेकिन इसके अलावा और भी सियासी संदेश देने की कोशिश होगी अपने इस दौरे के दौरान ममता बनर्जी। देखिए ऐसा ना, जिस तरीके से जो दिल्ली के अंदर किसानों का जो मुद्दा था अभी, जिस तरीके बिल को अगर वापिस करने की जो बात कही है, तो कहीं ना कहीं स्टैंड विपक्ष से मिलने की, क्योंकि अभी जो मानसून सत्र 29 तारीख से लागू होगा, लेकिन 4 दिन का जो दौरा रहेगा, तो ममता बनर्जी कोई भी कभी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती जो कि पीछे छूट चुका हो, क्योंकि कृषि बिल के आड़ के अंदर साथ साथ में कई ऐसे मुद्दे हैं जो संसद में पारित किए गए। बिल्कुल, मिशन 2024 को लेकर ये दौरा कई मायनों में काफी अहम है, सियासी रणनीति को और यहाँ पर सक्रिय करने की कोशिश होगी क्योंकि शीतकालीन सत्र भी शुरू होने जा रहा है, इसको लेकर भी रणनीति जो है वो इस 4 दिन के दौरे के दौरान रह सकती है ममता बनर्जी। इसके अलावा पीएम मोदी से भी मुलाकात की बात सामने आ रही है और गृहमंत्री से भी मिलने का वक्त यहाँ पर मांगा गया है। अगर इन दोनों ही मुलाकातों को लेकर आपसे जानकारी लेना चाहे तो क्या वो वक्त मिल गया है और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस मुलाकात के दौरान? देखिए अभी समय नहीं मिला है क्योंकि पीएम मोदी के रूट लगे हुए हैं और बिजी चल रहा है, अभी समय नहीं है। लेकिन हाँ, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर मुलाकात होती है तो उनको समय लिया, जैसे किसानों का बिजली जो बिल है वो माफ करने की बात कही है, तो साथ साथ में अगर बात करें एनआरसी सीए इसका भी मुद्दा उठ सकता सवाल, क्योंकि देखिए अगर वो वहां पास किया जाएगा, एक दायरा यहां पर बढ़ाया गया अधिकार क्षेत्र का, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो मुद्दा है उठाया जा सकता है, क्योंकि उसको लेकर अपनी आवाज को बुलंद लगातार जो है ममता बनर्जी की तरफ से की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए अजय, लेकिन इस दौरे को लेकर नजर बनाए रखिएगा। तो अब कहीं ना कहीं कई सियासी मायने जो है इस दौरे को लेकर निकाले जा रहे हैं।